नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। क्षमा चाहता हूँ कि जो प्रश्नोत्तरी 8 बजे स्टार्ट होती वो इस समय सॉरी हो रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कुछ पर्सनल कारण के कारण मैं वीडियो सुबह 8 बजे नहीं अपलोड कर पाया था। और जो भी वैदिक सभ्यता वाले भाई आज की जो जो कंटिन्यू सीरीज रहती है वो दोस्तों थोड़ी उकचुक हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत पर्सनल काम था इसलिए मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया, आप मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है संविधान के प्रकार है ए लिखित, बी अलिखित, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान के दोनों ही प्रकार है, संविधान लिखित रूप से भी लिखा गया है कुछ देशों का और कुछ देशों का अलिखित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, किस देश का संविधान लिखित है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो भारत है इसका भी लिखित है और यूएसए का भी लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन का संविधान है ए लिखित, बी अलिखित, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर होगा आगे क्या होगा, ए लिखित होगा, ब्रिटेन का संविधान जो है लिखित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब उठाई, 1920, 1922, 1924, 1925। तो दोस्तों ये उठाई थी 1922 में, उन्होंने कहा था कि भारतीयों का जो भविष्य है, भारतीयों का जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय ही तय करेंगे, ये बात कही थी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ ए प्रत्यक्ष चुनाव हेतु, बी पृथक निर्वाचन क्षेत्र हेतु, सी संविधान सभा गठन हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, संविधान सभा के गठन हेतु। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुनाव के बारे में सत्य कथन है ए इसके चुनाव 1946 में सही है, ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में 296 प्रतिनिधि चुने गए सही है, 93 सदस्य देशी राष्ट्र चुने गए सही है, तो डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके अंदर सारी बातें सही है, 1946 में चुनाव हुए थे, 296 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से, इन 206 में 208 सीटें कांग्रेस को आई थी। अगला, राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे 12, 8, 14, 10। तो दोस्तों ये चुने गए थे 14। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 नवंबर 1946, 9 अक्टूबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 9 जुलाई 1946। तो दोस्तों इसके अंदर सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो दोस्तों इसके अंदर उत्तर होगा सच्चिदानंदन सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। अब ये ध्यान रखना, ये पहली बैठक है, ये दूसरी बैठक है और ये तीसरी बैठक है, इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और इसमें दूसरी बैठक में जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, 22 दिसंबर 1946, 22 फरवरी 1947 और 22 जनवरी 1947, 22 मार्च 1947। तो दोस्तों ये पारित होता 22 जनवरी 1947 और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है हमारी प्रस्तावना बनी थी, ये प्रस्तावना यही बनी थी। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो दोस्तों प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, मसौदा कमेटी कहते हैं, पांडुलिपि कमेटी भी जिसे कहा जाता है, उसके दोस्तों अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता इन्हें ये ही हैं। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के बारे में सत्य कथन नहीं है, इसका निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में सही है, कुल 116 बैठकों में नहीं दोस्तों, इसके अंदर आएगा कुल 114 बैठकों में, यानी बी ऑप्शन इसके अंदर जो है करेक्ट है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ सही है और 26 जनवरी 1950 को लगभग सही है। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 26 जुलाई को, 26 नवंबर को और 26 अगस्त को। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा 26। पहले दोस्तों ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, बाद में इसको जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया, 2015 में प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं, यानी कितने अनुच्छेद, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ, ए 400 अनुच्छेद 12 भाग 22 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद 8 भाग 24 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और डी 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। और दोस्तों इसके अंदर ये देखो सी ऑप्शन है ना, इसके अंदर 8 है लेकिन वर्तमान में देखो कोई तो 395 22 और 12 मिलेंगे, कहीं कि तब मैं आपको यहाँ पर 465 अनुच्छेद दिखा रखें
वो सही नहीं है दोस्तों, वर्तमान में 395 ही आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, किसे संविधान का सार परिचय भूमिका कहा गया है? ए मूल अधिकार को, बी मूल कर्तव्य को, सी प्रस्तावना को, डी निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का सार भूमिका या परिचय कहा गया। निम्न में शामिल नहीं है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, नीति निर्देशत्व आयरलैंड से लिए गए, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। लेकिन दोस्तों ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये रूस से नहीं लेकर कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ही ली गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ए समाजवादी, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी मौलिक अधिकार और डी एकात्मक शासन व्यवस्था। था दोस्तों इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान है कठोर लचीला दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये दो है कठोर भी और लचीला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत में है दोहरी नागरिकता, इकाई नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था और डी ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो दोनों सही है दोस्तों, इकाई नागरिकता भी है और संसदीय शासन व्यवस्था भी है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेट हो गया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोबारा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।